चलिए मेरे प्यारे बच्चे, भी एसआर अड्डा में आपका स्वागत है। हम लोग सेट प्रैक्टिस नंबर 9 देख लीजिए सर। ये प्रैक्टिस सेट 9 हम लोग प्लेटफॉर्म का चल रहे हैं, वॉल्यूम 2 का चल रहे हैं हम लोग। और सारे बच्चे एक बार रिवाइज कर लो, इसके बाद देखो कितना मस्त सेट है मेरे प्यारे बच्चे। और हर तरह के पैटर्नों को लागू किया गया है, अप टू डेट पैटर्न है। सारे बच्चे एकदम देख लीजिए जिसका सिलेबस खत्म है। पहला क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, एनालॉजी का सवाल है और इन एनालॉजी के सवालों को जवाब देंगे जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं। और देखो क्या लॉजिक है, कहता है ना कि जिस प्रकार थका स्त्रान से संबंधित है उसी प्रकार दुखी का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार थका स्त्रान से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे, उस प्रकार दुखी की बात बोला जाए। देखो थका 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 श्रांत का संबंध है तो दुखी किसका होगा मेरे प्यारे बच्चे, दुखी किसका होगा। सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे, सारे बच्चे इस आंसर देने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। देखो जिस प्रकार थका है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसका साइनोनिम श्रांत है, उसी प्रकार दुखी का, दुख का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, उदास। दुख का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। जैसे थका का संबंध श्रांत से है, उसी प्रकार इसका साइनोनिम्स मेरे खिलाड़ी क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चले और अगले सवाल में मेरे खिलाड़ी आंसर देने का प्रयास करो। देखो एनालॉजी का ये सवाल है और ऐसे सवाल कैसे बनते, देखो अगर आंसर देखने की बात बोला जाए, आंसर देखने की बात बोला जाए सर, तो ये 4 के स्क्वायर प्लस 4 है और ये मेरे प्यारे बच्चे 4 के क्यूब प्लस 4 है, ये 4 के क्यूब प्लस 4 है और ये 4 के स्क्वायर प्लस 4 है। एक बार पुनः देखेंगे, ये 4 के स्क्वायर प्लस 4 है और ये 4 के क्यूब प्लस 4 है। बता दो मेरे प्यारे बच्चे ऐसा किस में लागू है। देखो ऑप्शन नंबर सी में लागू है। बोलो सर कैसे लागू है, तो देखो 3 के स्क्वायर प्लस 3 होगा और 3 के क्यूब प्लस 3 होगा, यही तो बात है मेरे खिलाड़ी। देखो 4 के स्क्वायर प्लस 4 था, 4 के क्यूब प्लस 4 है, 3 के स्क्वायर प्लस 3 है और 3 के क्यूब प्लस 3 होगा, तो सब सेट है और ऑप्शन नंबर सी से भेट है। तो अगले सवाल की ओर चले सारे मेरे खिलाड़ी, 58 की ओर चले। क्या कहता है 58 सर, देखने योग्य बात यह है कि जिस प्रकार घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर में मापते हैं, घनत्व को किस में मापते हैं, हाइड्रोमीटर में, जिस प्रकार घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर में मापते हैं उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे द्रव्यमान को किस में मापेंगे, तो द्रव्यमान को किलोग्राम। घनत्व का मेजरमेंट हम लोग जिस प्रकार हाइड्रोमीटर में करते हैं उसी प्रकार द्रव्यमान का संबंध किससे होगा मेरे खिलाड़ी, किलोग्राम से होगा। अगले सवाल की ओर चलो और ये देखो सर 59 नंबर और ऐसे सवाल को बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, ये एनालॉजी का सवाल है, इसके माथे पे प्लेस वैल्यू लिख दो। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद मेरे खिलाड़ी आपको लॉजिक पता चलेगा। देखो सर लॉजिक क्या है, पूजा कितना सुमारी 16, रूस जाति 18 में, आई 9 पर, वोट देगा 22 में, 1 T20 और 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 23 होगा, 4 होगा, 25 होगा, 12 होगा, 21 होगा, 19 होगा, यहाँ मेरे प्यारे बच्चे 19 होगा, 9 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 25 होगा। अब देखते हैं क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, लगता है ये रिवर्स लॉजिक है मेरे प्यारे बच्चे। देखो जरा ध्यान से देखो, 5 और 3 बुआ कितना होगा, 8 होगा, 20 और 3 कितना होगा, 23 होगा, 3 कितना होगा, 4 होगा, इस प्रकार 22 और 3 कितना होगा, 25 होगा, इस प्रकार 9 और 3 कितना होगा, 12 होगा, इस प्रकार देख लो खिलाड़ी 18 और 3 कितना होगा, 21 होगा और इस प्रकार 16 और 3 मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा, 19 होगा। तो रिवर्स तो किया है लेकिन सब में क्या किया गया है मेरे प्यारे बच्चे, 3 जोड़ दिया गया, तुम भी 3 जोड़ दो, 19 और 3 22 होगा, वोट देगा 22, रुक जाओ, यहाँ से ये लास्ट में जाएगा, ये 25 और 3 मेरे प्यारे बच्चे 28 होगा, 25 और 3 28 होगा, 26 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो क्या होगा, बी होगा, शुरू में बी होगा, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। 2 3 12 होगा, लंच 12 बजे,
के बाद नौ है ना आई है और तीन जोड़ा गया मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे अगर हम छ तीन नौ, यहाँ से देखो यहाँ से छ है, छ और तीन कितना होगा, नौ होगा, अब बी के बाद आई होगा, बी के बाद आई तो ये मेरे प्यारे बच्चे चला गया, 14 3 17 होगा, तो यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे क्यू होगा तो ये चला गया मेरे प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए 59 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 59 के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चले, अगले सवाल मेरे खिलाड़ी क्या कहता जरा सुन लो, कहता है प्रश्नवाचक स्थान पर क्या होगा, ऐसे सवाल देखो सर लॉजिक कभी कभी देखते के साथ पता चलता, और ये लॉजिक तुम्हें तभी पता चलेगा, जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लॉजिक देखते के साथ पता चलता, क्यों, क्योंकि उनका बेस सही है, और जिनका बेस सही है ऐसे प्रश्न का उनका सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा बनाने में। देखो अरे 5 दुना 10 10 दिया 30, और वैसे बच्चे जिनका टेबल क्लियर है खास करके ऐसे सवाल जल्दी से पकड़ेंगे, फिर कितना 30 दुना 60, ऐसा लॉजिक नहीं पता चल रहा है, ऐसा लॉजिक मेरे से नहीं पता चल रहा है कि एक बार 2 से गुना 3 से गुना 2 से गुना, इस बार 3 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 60 या 180 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिल आशिकाना में लगा हुआ है, एक बार डी मारिए और 60 की सेवा होती है समाप्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये आपका 61 नंबर क्वेश्चन पुनः आ गया, और ऐसे सवाल जवाब देंगे, पर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 5 7 35 हो रहा है, ऐसा लग रहा है 5 7 35 हो रहा है, लेकिन क्या किसी में है, किसी में है, किसी में है, किसी में है, नहीं है, ऐसा लग रहा है सर 3 5 15 होगा, बीच में इसको काट दो, तो क्या किसी में ऐसा हो रहा है, 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 नहीं हो रहा है, ये भी लॉजिक नहीं है। क्या मेरे प्यारे बच्चे ऐसा हो सकता 5 + 1 के स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, 5 + 1 के स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, तो 11 का स्क्वायर नहीं, 7 + 1 8 का स्क्वायर नहीं, 7 + 1 8 का, बिल्कुल सब सेट है, और ऑप्शन नंबर सी से आंसर से बिट है। देखो मेरे खिलाड़ी 7 + 1 के स्क्वायर माइनस 1, 7 + 8 के स्क्वायर माइनस 1 होगा मेरे प्यारे बच्चे, 64 में से 1 चला जाएगा, आंसर 63 होगा, और 76 का ऑप्शन सी इज राइट होगा, 76 का मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन सी इज राइट होगा, कमेंट को एक बार ऑन कर दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चले, और ये आपका 77 नंबर है, ये आपका 77 नंबर है, आपका 77 नंबर है मेरे प्यारे बच्चे। देखो निम्नलिखित में से 4 संख्याओं में 3 किसी प्रकार एक समान है और 1 संख्या असमान है, उस संख्या का चयन कीजिए, असमान संख्या मेरे प्यारे बच्चे, असमान संख्या क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल, अरे मेरे प्यारे बच्चे 13 2 26, 13 से ये भी कट रहा है, 13 से ये भी कट रहा है, 13 से मेरे प्यारे बच्चे ये भी कट रहा है, लेकिन 13 से ये नहीं कट रहा है, यही संख्या असमान है, यही संख्या मेरे प्यारे बच्चे असमान है, तो 77 का एपल होगा, 77 का मेरे प्यारे बच्चे एपल होगा। अगले सवाल की ओर यदि हम चले, तो अगले सवाल देखिए क्या लाजवाब सवाल है, और ऐसे सवाल कहता है ना सर एनालॉजी के, व्हाट एनालॉजी के, सवाल है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड में रहेगा, ना प्रैक्टिस करोगे ना माइंड में रहेगा, कहता है ना सर कि देखो एक भीड़ है, मुखौटा है, छिपाना है, और क्या होता है झंझावरण है, तो मेरे प्यारे बच्चे देखो मुखौटा भी छिपाने का काम करता और ये भी छिपाने का काम करता, आवरण कहीं लगा हुआ है, आवरण मैंने ढकने का काम करता, लेकिन भीड़ ढकने का काम नहीं करता मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 78 का ऑप्शन ए राइट होगा। अगले सवाल की ओर चलो मेरे खिलाड़ी, आपके पास 79 आ गया, और ऐसे सवाल देखते के साथ साफ साफ जाहिर होता कि अरे लग रहा है 4 3 12 है और 4 4 16 है, 4 3 12 है मेरे प्यारे बच्चे, 4 4 16 है, क्या किसी में लॉजिक सेट है, क्या किसी में मेरे खिलाड़ी लॉजिक सेट है, अगर सेट है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरे लॉजिक की ओर चलेंगे, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है मेरे प्यारे बच्चे ऐसा, तो क्या दूसरे लॉजिक चले, दूसरा लॉजिक लग रहा है मुझे 4 और 12 कितना होगा, 16 होगा, क्या किसी में सेट है, क्या किसी में सेट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आए देखो डिजाइन सर ऑप्शन नंबर डी में दिल आशिकाना में लगा हुआ है सर, दिल आशिकाना में लगा हुआ है, तो सारे मेरे खिलाड़ी
29 आपका हो गया है, 80 की ओर चलो मेरे प्यारे बच्चे और 80 सवाल का जवाब दे। कहता है चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी ना किसी तरह से समान है, एक मेरे प्यारे बच्चे असमान है। असमान को देखो सर, चीखना है, गुर्राना है, बुदबुदाना है और चिल्लाना है, कौन सा होगा? सारे बच्चे इसका जवाब दो। कहता है कोई चीख रहा है, कोई गुर्रा रहा है, कोई बुदबुदा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, आंसर क्या होगा 80 का? सारे बच्चे देने का प्रयास करेंगे 80 नंबर का, जल्दी से देंगे आंसर तो ज्यादा बेटर होगा। देखो सर, चिल्लाना, गुड़गुड़ाना और चीखना एक शब्द है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे बुदबुदाना एक अलग है, बुदबुदाना अलग है, चिल्लाना है, गुड़गुड़ाना है, चीखना है, एक जैसी साउंड है, एक जैसी साउंड है, ये भी साउंड है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन हिडन साउंड है। ये जो साउंड है तुम्हें सुनाई पड़ेगी, लेकिन ये साउंड तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बेबी को बेस्ट पसंद है। अगले सवाल की ओर चले मेरे खिलाड़ी, तो 81 नंबर का आंसर देने का प्रयास करेंगे। कहता है वह चार समूह दिए गए हैं, कितने समूह? चार समूह दिए गए हैं, तीन किसी न किसी तरह से समान है, एक असमान है, असमान को जल्दी से चर्चा करें। ऐसे सवाल को बनाने के लिए, ऐसे सवाल के बनाने के लिए मेरे खिलाड़ी एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा उसके माथे पर प्लेस वैल्यू जरूर रखना, हमेशा उसके माथे पर मेरे खिलाड़ी प्लेस वैल्यू जरूर रखो। देखो सादे 19 में, वोट देगा 22 में, वाई 25 पर, 6 से 6 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया, 14 3 17 17 3 20, 6 3 9, 9 2 11, यहाँ देखो 24 1 27 है, 24 3 27 और 1 3 4, यहाँ देखो 19 3 22, 22 3 25। देखो मेरे खिलाड़ी, तीन यहाँ भी जोड़ा गया, तीन यहाँ भी जोड़ा गया, तीन यहाँ भी जोड़ा गया, लेकिन यहाँ भी तीन जोड़ा गया, लेकिन यहाँ तीन जोड़ा गया, यहाँ दो जोड़ा गया, यहाँ तीन और यहाँ दो जोड़ा गया। मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा। अगले सवाल की ओर यदि चले हम, आइए सर आपके लिए, जो बच्चे आराम से सेट मारते हैं, पीडीएफ सहित लेना चाहते हैं, ड्यूटेरिया का मैंने समाप्त कर दिया, बिहार एसएससी के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो सारे बच्चे ये आप क्वेश्चन का 82 नंबर का जवाब दे, इस तरह से आपका प्लेटफॉर्म भी समाप्त होगा। और सारे बच्चे इसके बाद जो भी बच्चे फरमाइशी करेंगे, रेलवे के लिए हम लोग उतरेंगे, और वैसे खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी उतरेंगे जो आपको सफलता दिला सकता है, और ऐसे में आप सिर्फ जुड़ने का प्रयास करें, आपके लिए अथक प्रयास किया जाएगा। सारे टीम यहाँ भी एसआर अड्डा के अवेलेबल है। तो सारे बच्चे बता दो कौन सा गलत है, कौन सा सही है। कहता है सर क्या दिया गया, क्या दिया गया है, थोड़ा सा बता दे मेरे खिलाड़ी। कहता उस विकल्प का चयन करें, शब्दों का आपस में वही संबंध है नीचे दिए गए शब्दों के बीच में है। अरे कहता है जीवाणु का संबंध बीमारी से है, जिस प्रकार से बैक्टीरिया से बीमारी होता है, जिस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे बैक्टीरिया से बीमारी होगा तो पेंटिंग से तो पेंटर होगा नहीं, पेंटिंग से लापरवाही से रोग, रोग, रोग चिकित्सक ये मेरे प्यारे बच्चे नहीं होगा, मूल्यांकन नहीं, लापरवाही से त्रुटि होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, लापरवाही करोगे ना तो गलती होगी, लापरवाही करोगे ना तो गलती होगी, लापरवाही करोगे तो गलती होगी मेरे प्यारे बच्चे, लापरवाही करोगे तो गलती होगी, लापरवाही करोगे तो क्या होगा, त्रुटि होगी। तो सारे मेरे प्यारे बच्चे आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, चीज राइट आंसर होगा 82 के बाद। सारे बच्चे देख लो 83 नंबर की ओर चलेंगे सारे बच्चे। 83 क्या कहा गया जरा सुन लो, मैजेस्टी 40 TEQ IZ AF लिखा गया। तो सारे बच्चे बता दो ड्यूरेबल को क्या लिखा जाएगा, ड्यूरेबल को क्या लिखा जाएगा, सारे मेरे खिलाड़ी बता दो ड्यूरेबल को क्या लिखा जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चे क्या है, मेरा नाम 13 14 1 है, जियो का सिम 10 में 5 में, शादी 19 T20 25 है, यहाँ पे T20 है, 5 है, 17 है, 9 है, 26 है, 1 है, 6 है। कहता है इसमें कितना जोड़ा गया, इसमें कितना जोड़ा गया है, इसमें 7 जोड़ा गया, इसमें 4 जोड़ा गया, इसमें 7 जोड़ा गया, इसमें 4 जोड़ा गया, इसमें 7 जोड़ा गया, इसमें 4 जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया क्या, नहीं 7 जोड़ा गया,
इसमें सात जोड़ा गया चूंकि 27 होता है, और इसमें कितना, इसमें 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 25 25 और 26 छो 32, इसमें भी कितना जोड़ा गया, सात जोड़ा गया। मेरे प्यारे बच्चे क्या लॉजिक है, सात सात चार चार मतलब ये लॉजिक है, ऐसा क्या लॉजिक है, सारे बच्चे बताएंगे ऐसा क्या लॉजिक है, भावेल में तो नहीं जोड़ा गया। ओके ओके ओके, देखो मेरे प्यारे बच्चे जो भी कॉन्सोनेंट है सब में सात जोड़ा गया, लेकिन भावेल में लगता है चार, यहाँ भी चार, बिल्कुल भावेल में चार जोड़ा गया, कॉन्सोनेंट में सात जोड़ा गया। तुम भी यही काम कर दो मेरे प्यारे बच्चे, चार ये कॉन्सोनेंट है, सात जोड़ेंगे, चार चार आठ एच होगा, चार चार आठ एच होगा, एच होगा आठ। ओके ओके ओके, ड्यूरेबल है क्या? अच्छा सात जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सात, अरे कॉन्सोनेंट है तो सात, तो चार और आठ कितना बारह, चार और आठ चार सात कितना ग्यारह, ग्यारह पर के होगा, सब में के है, सब में के है, ये भावेल है, चार जोड़ेंगे, इक्कीस चार पच्चीस पर वाई होगा, इक्कीस चार पच्चीस पर ड्यूरेबल यू है, भावेल है ना, यू है इक्कीस साल में, और जब भावेल रहता है तो कितना जुड़ता है, चार जुड़ता है, तो इक्कीस और चार पच्चीस, पच्चीस पर वाई होगा, पच्चीस पर कितना होगा, वाई होगा। तो क्या ये लॉजिक सेट है, ए के बाद किसी में वाई नहीं है, ड्यूरेबल। अच्छा ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा, बीस और सात सत्ताईस। तो सारे बच्चे इक्कीस चार पच्चीस, पच्चीस पर क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, क्या लॉजिक है इसमें, कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। देख लो तेरह सात बीस, एक चार पांच, दस सात सत्रह, पांच और चार, पांच और चार नौ मेरे प्यारे बच्चे, उन्नीस सात छब्बीस, बीस सात सत्ताईस, पच्चीस सात बत्तीस, छः पर, बिल्कुल बिल्कुल, ये कैमा स्थान है, ये भावेल में चार, भावेल में चार, यही तो लॉजिक है। तो भावेल में चार जोड़ेंगे तो पच्चीस, पच्चीस पर तो वाई आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, के बाद वाई किसी में है ही नहीं, अगर सात जोड़ते हो तो अट्ठाईस, ये है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऐसा तो नहीं, कैसे ये किया गया, ये कैमा स्थान है पहला स्थान, ये कैमा स्थान दूसरा स्थान, ये कैमा स्थान तीसरा, ये कैमा स्थान चौथा, तो दूसरा में किया गया है, चौथा में किया गया है, ये पांचवा छठा और ये सातवां, ई क्यू आई, ठीक है, तो ये क्या लॉजिक है मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा बताने की कोशिश करें सारे बच्चे, ये लॉजिक क्या है, क्या है 83 का लॉजिक मेरे खिलाड़ी, क्या है 83 का क्या लॉजिक है। तो ये क्वेश्चन में हमारी समझ से थोड़ा सा त्रुटि है, देखो मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा त्रुटि की ओर चला जाता है, क्योंकि भावेल में अगर चार जोड़ेंगे तो 25 25 पर वाई होता है, अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट में सात जोड़ते हैं तो 18 सात, 18 सात कितना हो जाएगा, 18 सात 25 25 पर वाई होगा, चार जोड़ेंगे पांच पर क्या होगा, ई होगा, के डबल वाई ई, के डबल वाई ई, देखो इसमें ए के बाद के डबल वाई, ये तो होगा नहीं, अगर छाटना चाहो तो ये होगा नहीं, और के ए के डबल वाई ई, अच्छा के डबल वाई ई ये होने की संभावना है, अगर इसमें सात जोड़ोगे तो आई होगा, इसमें सात जोड़ोगे तो आई होगा, तो के डबल वाई ई आई, के डबल वाई ई आई, देखो ई आई एक क्रम में है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे 12 12 और सात 19 एस होगा, एकरा में भी एस है, सारे बच्चे बता दो ई ई, तो ई भावेल चार जोड़ेंगे 9 आई, तो देखो एकरा में एल दिया है, तो ये नहीं होगा, आंसर बी तो हो जाएगा, लेकिन मेरे खिलाड़ी 21 में इक्कीस, देखो ए ई आई ओ यू भावेल हो जाता मेरे प्यारे बच्चे, और भावेल हो जाएगा तो इसने इसमें क्या कर दिया, गलती से सात जोड़ दिया, और सात जोड़ेगा तो क्या जाएगा 28, और 28 पर इसने ए लगाया, हालांकि इसमें करेक्ट आंसर यहाँ पे वाई होना चाहिए, करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चे वाई होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम विलंब जरूर हुआ क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है मेरे शेर। तो अगले सवाल की ओर चले, और अगले सवाल 83 के बाद आ जाए 84। देखो यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 13 5 1 लंच 12 बजे 3:20
आई 9 13 5 क्या लिखा देखो 20 5 12 9 5। इसका मतलब है क्या मेरे शेर, जरा देख लो। अरे यही बात को इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, इसी बात को इसने क्या कर दिया मेरे खिलाड़ी, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। तुम भी कर दो मेरे प्यारे बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा तो हमें देखने को मिल रहा है वोट, तो पहले तो भी होगा तो आर होगा नहीं, भी के नीचे पी होगा, पी तो 16 होगा नहीं मेरे प्यारे बच्चे, तो ये खत्म, क्योंकि घटता क्रम यही है और घटता क्रम ऑप्शन नंबर ए होगा, 84 का आंसर ए होगा। 84 का आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, ए होगा। 84 का जब आंसर ये होगा तो आ जाओ मेरे खिलाड़ी नन वर्बल रीजनिंग का ये सवाल कितना इजी सवाल है। देखो पहली बार में यहाँ गया, ये 90 डिग्री घसक के यहाँ आया, ये घसक के देखो यहाँ आया, अब ये घसक के देखो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ऐसे इसमें दिख नहीं रहा, और ऐसे होगा, तो देखो ये दोनों रिपीट किया, तो ये दोनों रिपीट करेगा, तो ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। क्या होगा मेरे शेर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। अगले सवाल की ओर यदि चले मेरे प्यारे बच्चे, तो आपके पास 86 नंबर का ये सवाल आ गया है। टीम को लिखा गया है HDRN, तो सारे बच्चे क्लियर को बता देंगे, क्लियर को क्या लिखा जाएगा। देखो ऐसे तो साफ साफ लग रहा है मेरे खिलाड़ी, ये लगता है हाई स्कूल है, खुद वाला या दिल वाले है, इंडियन रेलवे है, अमन लगेगा, मतलब सारे अपोजिट लेटर लिख दिया, सारे मेरे खिलाड़ी क्या लिख दिया, अपोजिट लेटर लिख दिया। तुम भी मेरे शेर अपोजिट लिख दो, एक्स हो गया, लव हो गया, इवनिंग हो गया, एक्स हो भी, बिल्कुल ये छटा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसका नाम 86 है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, का नाम 86 है। अगले सवाल 87 की ओर चले, सतासी नंबर सवाल का जवाब दो मेरे प्यारे बच्चे। तो यदि हम देखें तो 3 6 3 9 9 यहां आ जाएगा, 3 1 4 और 2 6 69 आया, यहां देखो 9 3 12 7 19 आया, 2 1 3 और 2 5 और 1 6 69, यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चे 69 आएगा, 5 और 2 7, यहाँ पे 2 आएगा 9 और 1 और 2 3 3, और यहाँ 6 दे दो कितना आ जाएगा, 1 और 2 3, यहाँ 3 रख दो, अब 32 रखने से आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देख लो 5 2 7 और 2 9 और 3 1 4 2 6, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। 87 के बाद 88 नंबर की ओर चलेंगे, और 88 नंबर मेरे खिलाड़ी कहता है किसको बदलने से क्या आएगा। देखो सबसे पहली बात, यदि ऐसे बड़े बड़े नंबर आए तो तुम्हें देखो छोटे नंबर प्राप्त करना है, यदि है तो छोटे नंबर को पकड़ने का कोशिश करें मेरे खिलाड़ी, पहले तुम इसको पलट के देखो, अगर नहीं आता है तो कोई दूसरा को देखना। तो देखते हैं हम, 27 - 36 + 48, मेरे खिलाड़ी 3 की जगह पर 8 करके देखो, और 8 की जगह पर 3 करके देखो क्या आता है कि नहीं। देखो अब 8 + 3 = 24, अब मेरे खिलाड़ी क्या करो, ये 27 में से 36 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 + 48 + 24, कभी आ नहीं सकता। अच्छा यहाँ भागा है मेरे खिलाड़ी, यहाँ भागा है 48 की जगह पर, भागा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 6 48, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हल करोगे तो 27 - 36 और प्लस कितना हो गया 18, और देख लो मेरे प्यारे बच्चे 27 + 36, अब करोगे 27 में से 36 चला जाएगा, 27 - 36 कितना आ जाएगा -9, और -9 + 18 9 आ जाएगा,
तब सेट है मेरे खिलाड़ी, और ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। लीजिए 89 नंबर का सवाल का जवाब दे, 89 का आंसर दे सारे बच्चे, 89 का आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलो देखो, अरे ऐसे तो देखते के साथ पता चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, लॉजिक क्या है देखो, 8 × 16 और 1 = 17 है, 17 × 34 और 1 = 35 है, तो 35 × 70 और 1 कितना होगा? 71 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे खिलाड़ी। फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल चलो, अगले सवाल चलो मेरे शेर। पता है ना, फैटनी है, बर्तन है, हसुआ है, कौन अलग होगा? फैटनी है, बर्तन है, हसुआ है। देखो जितने भी फैटनी है ना, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बर्तन है। इसके बीच में कैसा नो रिलेशन, और इसके बीच में बता दो मेरे शेर के बीच में क्या रिलेशन होगा? हसुआ और फैंटनी, हसुआ और फैंटनी में क्या रिलेशन होगा? 90 का आंसर देने का प्रयास करेंगे, 90 का आंसर देने का प्रयास करो। ये दोनों अलग अलग चीज है, तो नो, कॉल और दो गुनो, एक कॉल और दो गुनो, इसे सम खत्म, ये खत्म और ये खत्म मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। 90 का ये बात क्लियर हो जाता है। आइए सर 106 नंबर अब हम लोग पहुंचने वाले हैं सारे बच्चे, अब हमारी समाप्त होने के कगार पर पहुंचे हैं, लेकिन अब जब तक आप क्या करें, 106 का आंसर, 106 का आंसर दे मेरे खिलाड़ी। देखो क्या है, क्या है मेरे प्यारे बच्चे? देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इसमें देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और एक चार लाइन है, तो दो 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 अलग है मेरे प्यारे बच्चे, दो अलग है, क्योंकि तीन लाइन है, तीन लाइन है, तीन लाइन है, इसमें कितना लाइन है? चार लाइन है। तो आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा मेरे खिलाड़ी, आंसर डी होगा। 106 के बाद 107 का आंसर देंगे मेरे खिलाड़ी जितना भी है। क्या बच्चे बताओ, क्या सभी पिता भाई होते हैं? नहीं। क्या सभी भाई पिता होते हैं? नहीं मेरे प्यारे बच्चे। सम, क्या सभी पिता करदाता होते हैं? क्या सभी पिता कर ही देने वाले नहीं होते हैं? लेकिन नहीं, कुछ पिता होते हैं, कुछ करदाता पिता होते हैं। क्या सभी भाई? नहीं मेरे प्यारे बच्चे। सम 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 का केस होगा, और सम 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 का केस सिक्के को दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी में है। 107 के बाद 108 नंबर का आंसर देने का प्रयास करें सारे बच्चे। चलिए देखो, कहता है तीन विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है, क्या है? पासे के तीन विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। चार के विपरीत फलक पर क्या होगा मेरे खिलाड़ी? चार के विपरीत फलक पर, अरे चार के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो देखो चार यहाँ है, चार और कहीं है, देखो ये दोनों में कॉमन क्या है? तीन है। ये दोनों में कॉमन तीन है, और कुछ कॉमन नहीं है। इसको घुमा दो, 3 2 5, इसको घुमा दो, 3 6 4, बताओ 5 का उल्टा 4 हमसे पूछा किसका गया? 5। तो 4 का उल्टा मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा? 5 होगा। 5 के उल्टा 4, तो 4 का उल्टा 5 होगा, 4 का उल्टा 5 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे खिलाड़ी? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। अगले सवाल की ओर यदि हम चले, जी आपके लिए सवाल आ गया 109 नंबर का। आंसर देने का प्रयास करें सारे बच्चे। 109 नंबर, देखिए कहता है एक सुबह योगा के दौरान जौन पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त जाता। 90 डिग्री मेरे प्यारे बच्चे क्या जाता? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। फिर 270 डिग्री क्या जाता? 270 डिग्री मेरे खिलाड़ी क्या जाता? एंटी क्लॉकवाइज जाता, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर संभव है? तो जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चे, 270 में 90 से
17 में से 9 गया 8, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 180 डिग्री क्या घूमेगा, 180 डिग्री किसकी वैल्यू का है, तो देखो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बता दो पश्चिम दिशा की ओर संभव है, पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, 180 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्या घूमेगा 180 डिग्री मेरे शेर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कोई भी दिशा में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन चला जाएगा, तो घुमाओगे तो पश्चिम क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, पूरा बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, 109 का डी होगा। 110 की ओर चलो, 110 की ओर चलो, कैलेंडर का ये क्वेश्चन आ गया और कैलेंडर में पहला नंबर कहता है सर 1 जनवरी 2007 को, मेरे खिलाड़ी 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, क्या है मेरे खिलाड़ी 1 जनवरी 2007 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, तो सारे बच्चे इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो सर जनवरी से जनवरी कट गया, जनवरी से जनवरी कट गया, ये कितना वर्ष आया, एक वर्ष आया। और वर्षों का विषम दिन निकालने का टेक्निक है सर, दिया गया वर्ष प्लस लीप वर्ष, मेरे खिलाड़ी क्या ये लीप वर्ष की श्रेणी में आएगा, नहीं आएगा क्योंकि फरवरी इसमें शामिल नहीं हुआ, तो एक आएगा। कैलेंडर के आगे जा रहे हो प्लस कर दो, सोमवार में एक जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चे, मंगलवार होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट होगा, बी राइट होगा, आंसर क्या होगा, बी राइट होगा। सारे बच्चे 110 के बाद 111 नंबर का जवाब देंगे। ये सवाल तो सर ये सवाल हमेशा आते रहता है, तो बताओ सर ऐसे सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक बार और 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, 18 है, तो 3 का पेयर लगाओ और 3 का नहीं लगता है तो 6 पर लगाओ। तीन पर नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, तीन पर नहीं लगेगा, छह पर लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो बी के बाद सी यहां दिख रहा है, सी कर दो, लास्ट में डबल बी दिख रहा है, डबल बी कर लो, बी सी बी दिख रहा है, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, आंसर सेट है क्या, पहले भरा है देखो बी सी सी बी सी डबल बी भराया, सी डबल बी ये गया, ये गया और ये दोनों में टक्कर है, सी डबल बी फिर सी बी, ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन डी गलत होगा, ऑप्शन ए राइट होगा मेरे खिलाड़ी, ऑप्शन डी गलत होगा। आज ऑप्शन 111 के बाद चलो 112 नंबर का सवाल का जवाब दो। ये मेरे खिलाड़ी लग रहा है, देखो सर ये 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर 1 बढ़ा के 10 का स्क्वायर कर दिया, 181। इसी प्रकार इसमें कर दो सर 14 है ना, 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 6, 5, 11, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 1 और 1, 4, 421 मेरे खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगले सवाल की ओर चलो मेरे प्यारे बच्चे, 112 के बाद 113 नंबर, 112 के बाद 113 नंबर हमारा यहाँ पर लास्ट करता, 114 के बाद हम लोग 115 के बाद हमारा सेवा समाप्त हो जाता है, तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी दो सवाल को जवाब दे दे मेरे खिलाड़ी, लीजिए 113 नंबर। गत 8 व्यक्तियों के एक परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, दो विवाहित जोड़े हैं मेरे प्यारे बच्चे, पी क्यू का पुत्र है, पी जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, क्यू का, और आर का भाई है, और मतलब पी जो है किसका भाई है, आर का भाई है, एस एम की पुत्री है, एम का विवाह आर से हुआ है, एम का जो विवाह है आर से हुआ है, एम का जो विवाह है मेरे प्यारे बच्चे किससे हुआ है, एम का विवाह आर से हुआ है, और एस एम की पुत्री है, लो एस जो है पुत्री है, इसकी पुत्री है, एस जो है एम की पुत्री है, देखो
एक परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, पी क्यू का पुत्र है। देख लो, पी जो है मेरे प्यारे बच्चे, पी पुत्र है किसका पुत्र है, क्यू का। पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, और पी जो है आर का भाई, पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है, और पी जो है किसका भाई है, आर का भाई है, पी आर का भाई है। पी तो क्यू का पुत्र है, पी जो है क्यू का पुत्र है, और पी जो है आर का भाई है। एस एम की पुत्री है, एस की इसकी पुत्री है, एम की पुत्री है नहीं है, एम का विवाह आर से हुआ है। एम का विवाह किससे हुआ है, आर से हुआ। एम का विवाह आर से हुआ है, एम का विवाह किससे हुआ, आर से हुआ है, एम का विवाह। और एस एम की पुत्री है, एस जो है पुत्री है, किसकी पुत्री है, एम की पुत्री है, एस जो है एम की पुत्री है, पी क्यू का पुत्र है कहता है, और आर का भाई है, आर का भाई है। पी एस की आंटी है, पी जो है एस की क्या है, आंटी है, मतलब टी जो है एस की आंटी होगी। तो कब होगी टी एस की आंटी, जब इसके कोई पिता होंगे, पिता के भाई कहलाएंगे, और पिता के भाई की शादी कराना पड़ेगा। और टी जो है क्या मेरे प्यारे बच्चे, टी एस की आंटी है, और टी जो है भी की माँ है। टी किसकी माँ है, भी की माँ है। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चे क्या लॉजिक है, जरा सुनने का प्रयास करे। यहाँ भी की माँ है, आर का भतीजा डब्लू, आर का जो एक भतीजा है, देखो साफ साफ पता चल गया, आर का एक भतीजा है डब्लू है, तो आर का एक भतीजा, अब तो साफ साफ पता चल गया आर का एक भतीजा डब्लू, और डब्लू है पी का पुत्र है, और वह पी का पुत्र है। ओके ओके, आर का भतीजा डब्लू, आर का एक भतीजा है, तो इसका मतलब ये मेल होगा, और आर का एक भतीजा है, का भतीजा डब्लू है, इसका पुत्र है पी का पुत्र है, और W की बहन भी है मेरे प्यारे बच्चे। W की एक बहन है जिसका नाम क्या है, भी है। अब यहाँ से चलो जिस सेंटेंस को हमने छोड़ा है, एस एम की पुत्री है, अब ये तो एस एम की पुत्री हो गई, एम का विवाह आर से हुआ, एम का विवाह आर से हो गया। टी एस की आंटी है, टी मेरे प्यारे बच्चे एस की आंटी है, तो एस के आंटी है, इसकी शादी करा दो, टी एस की आंटी है, और भी की माँ है, और टी जो है भी की माँ है, टी है जो किसकी माँ है, भी की माँ है। बिल्कुल, भी का एम से क्या रिश्ता है, भी का एम से रिश्ता मेरे प्यारे बच्चे, भी का रिश्ता, भी कौन है, भी कौन है, क्या भी का जेंडर पता है, क्या भी का जेंडर पता है मेरे खिलाड़ी, देख लो, कहता है पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, बिल्कुल बिल्कुल है, पी क्यू का क्या है, पुत्र है, बिल्कुल है। कहता है कि और आर का भाई है, पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, बिल्कुल आर का भाई है। एस एम की पुत्री है, एस एम की पुत्री है, एस एम की पुत्री है, एस एम की, एम का विवाह आर से हो गया मेरे प्यारे बच्चे, एम का विवाह किससे हो गया, आर से हो गया, बिल्कुल आर से हो गया, एम का विवाह किससे हो गया, आर से हो गया। टी एस की आंटी है, टी क्या है, टी है मेरे प्यारे बच्चे, टी टी देख लो, टी जो है आंटी है, एस की बिल्कुल पिता है, पिता के भाई, टी एस की आंटी है, टी एस की आंटी है, और भी की माँ है, टी जो है भी की माँ है, टी भी की माँ है। आर डब्लू का भतीजा है, आर का भतीजा डब्लू है, आर कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे, ये आर का भतीजा डब्लू है, और पी का पुत्र है, और पी का पुत्र है, और डब्लू की बहन भी है। देखो डब्लू की एक बहन है, डब्लू की बहन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, भी है। अब देखो भी का एम से क्या रिश्ता, भी कौन है किसका, एम का, तो भी के पिता, तो भी कौन है इसका, एम का, तो ये तो भी कौन है, भी कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चे भी कौन है, भतीजी, तो देखो इसके तो भतीजी हैं मेरे प्यारे बच्चे, जरा सुनो, ये इनकी चाची है, ये इनकी चाची है, तो सुन लो, पहले तो भी कौन है, तो भी कौन है पुत्री, देख लो मेरे प्यारे बच्चे, भतीजा तो कचेरी बहन तो हो नहीं सकती, और भतीजा हो नहीं सकता, ये तो भतीजी, बताओ पुत्री नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, भतीजी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा। सारे बच्चे 134 नंबर की ओर चलेंगे, और ये सवाल आ गया मेरे खिलाड़ी, कहता ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठा है, सी पश्चिम छोर पर बैठा है। मेरे प्यारे बच्चे जरा सिटिंग अरेंजमेंट की ओर चलेंगे, और ए बी सी डी क्या क्या क्या, क्या कहता, 1 2 3 4 5 कैसा है, सी पश्चिम बैठा है, ई बी और सी का पड़ोसी है। देखो
ई कहता है मेरे प्यारे बच्चे किसका पड़ोसी है, बी और सी का। ई किसका पड़ोसी है, बी और सी। पश्चिम इधर पूरब है, सी पश्चिम की ओर बैठा है। चलो तो ये तो कहानी गोल हो गया। ई किधर बैठा है मेरे प्यारे बच्चे, ई कहता है पश्चिम छोर पर बैठा है। एक छोर इसका फिक्स हो गया, ई जो है इधर बैठा है पश्चिम छोर पर बैठा है। कहता ए और सी के बीच में दो व्यक्ति है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में दो व्यक्ति है, पांच व्यक्ति हो गया। तो देखो एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ए बिल्कुल ए और सी के बीच में। लेकिन ए और सी के बीच में दो व्यक्ति नहीं मेरे खिलाड़ी, ए और सी के बीच में दो व्यक्ति है, ए और सी के बीच में नेसेसरी है दो व्यक्ति है। तो ए यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और एक व्यक्ति इधर आ जाएगा, एक व्यक्ति यहाँ आएगा। तो कहता पूर्वी छोर पर कौन होगा, तो देखो मेरे प्यारे बच्चे सी ई हो गया, बी हो गया, ए हो गया, तो कौन सा एक व्यक्ति नहीं बैठा, डी। तो अंतिम छोर पर, अंतिम छोर पर पूर्वी छोर पर कौन आ गया, डी आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। 114 का क्या हो जाएगा मेरे सिर, ये हो जाएगा लास्ट सवाल आपके पास आ गया। और 115 नंबर का ये सवाल है, सारे बच्चे आराम से इसको रिविजन करेंगे। तो आज के लिए आपका, आपके पास इतना ही रहेगा। और ये सवाल हम लोग 150 मेथड से बनाते हैं, तो सारे बच्चे जल्दी से बना दो मेरे प्यारे बच्चे। ये 50 है, 50 है, ये 100 है, ये 50 है, तो जल्दी से चलो। ये 100 है, 50 है, 50 है, 50 है। तो देखो सर क्या लॉजिक है, देखो सर क्या लॉजिक है कि गुरैया और कौआ को देखना है, ये दोनों को टच करना पड़ेगा। तो टच करने के लिए पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव, दोनों को मिला देंगे मेरे प्यारे बच्चे तो पॉजिटिव बनेगा। तो क्या कहता है, गुरैया और कौआ में 50 को क्या 100 बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते हो। कौआ और गुरैया में तो कौआ कितना है, 50 को 50 बना सकते हो, 50 को 50 बना सकते हो। तो ऑप्शन दो, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो हमारी जो है सेट प्रैक्टिस नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चे समाप्त होता है। तो सारे बच्चे को क्या करना है, रिवीजन करना है। तो ठीक है मेरे दोस्त, बाय बाय, फिर मिलेंगे सारे दोस्तों को।